Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter Food and Health. Food, our basic need. All of us eat food, eat food more than once every day. What happens if we miss a meal? We feel hunger and weakness. What is hunger? Hunger is the way the body signals that it needs to eat. You have read that our body organs, both internal and external, perform various functions. For this, they require energy and we feel hungry. When we eat food, it gives us the energy required and our hunger disappears. Besides providing energy, food also helps us in growing up and remaining healthy. So if we do not eat the right kind of food in an adequate quantity, our growth may be affected and we may fall Ill often. हम सभी खाना खाते हैं एक से ज़्यादा बार ओके अगर आप देखिए दिन के आपकी तीन मील है कोई एक मील को आप स्किप कर दीजिए तो क्या होगा अगर आपने मिस कर दिया हम भूख लगना शुरू हो जाती है वीकनेस हम फील करते हैं तो हंगर एक्चुअल में क्या होता है कि ये बॉडी का सिग्नल है दैट कि इसको खाना चाहिए ओके हमारे बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसके लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड देन वी फील हंगरी तो जब हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है हमारी हंगर डिसअपेयर हो जाती है अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा फूड जो है हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है हमें ग्रो करने में हेल्प करता है तो इसीलिए अगर आपने राइट काइंड ऑफ फूड नहीं लिया अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में तो हो सकता है कि हमारी ग्रोथ इफेक्ट अफेक्ट हो जाए या हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाए राइट लुक लुकेट दिस चाइल्ड ही डज नॉट गेट प्रॉपर फूड ही इज अ विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रीशन बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रीशन हिज ग्रोथ हैज बीन अफेक्टेड हिज बॉडी इज हिज बेली इज ब्लोटेड His hair has dried up and he has wrinkled skin. Now, look at the other child. He always eats the right kind of food. He is healthy and active both physically and mentally. Good health enables us to enjoy our lives fully and we are able to do well in both games and studies. Besides, healthy food, good hygiene, regular exercise, and enough rest are key factors that ensure good health. ओके okay, तो एक इसमें देखिए एक बच्चा है जिसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है तो माल न्यूट्रिशन का विक्टिम है वो बेचारा तो माल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो गई उसकी बेली ब्लोटेड है उसके हेयर ड्राई अप हो चुके हैं रिंकल स्किन है, है। जबकि जो दूसरा चाइल्ड है जो राइट काइंड ऑफ फूड खा रहा है वो हेल्दी और एक्टिव है फिजिकली भी और मेंटली भी तो गुड हेल्थ जो है हमें लाइफ को फुली इंजॉय करने में हेल्प करती है ओके okay, हम गेम्स में भी अच्छा करते हैं हम स्टडीज में भी अच्छा करते हैं तो हेल्दी फूड के अलावा हाइजीन का होना अच्छी हाइजीन का होना रेगुलर एक्सरसाइज हो इनफ रेस्ट हो ये सारे की फैक्टर्स है जो इंश्योर करते हैं गुड हेल्थ राइट फूड एंड न्यूट्रिशन देर आर मेनी दी दबस्टेंसेज आर कॉल न्यूट्रीन्स डिफरेंट डिफर इन डिफरेंट अमाउंट्स अब बॉडी नीड्स ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रीन वी अ वाइड वराइटी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे खाने में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हर फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसीलिए हमें सभी तरह का खाना खाना चाहिए ओके फूड कंटेंस फाइव न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स मिनरल्स ओके सो यह पाँच आपके न्यूट्रिय होते हैं द ऑफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिय रिजल्ट इन अ डिसीज

फेवरिशनेस कन्फ्यूजन किडनीनेस फटीक डिस्ट्रेस लॉस ऑफ मसल टिश्यून रिड्यूस स्टेमिना अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है आपकी डाइट में तो क्या हो सकता है अब कन्फ्यूजन हो सकता है किडनीनेस चक्कर आ सकते हैं थकान आपको महसूस हो सकती है आप डिस्ट्रेस फील कर सकते हैं फेवरिश आप फील कर सकते हैं लाइक फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स आर ऑल्सो इन अनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रेन दे आर ऑल्सो यूज बायर बॉडी एज इंसोलेशन टू कीप अस वॉन देर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स हेल्दी फैट्स एंड अनहेल्दी फैट्स फैट्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह इन फैक्ट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अब आपके जो फैट्स होते हैं वो भी आपके दो तरह के होते हैं हेल्दी और अनहेल्दी सोर्सेज द सोर्सेज ऑफ हेल्दी फैट्स आर ऑलिव ऑयल ओवकाडोज नैट एट्रा वेर इज क्रीम बटर चीज मीट कोकनट एट्रा हैल्दी फैट्स इन टू मच और सच फैट्स वेट केन एन हार्ट डिजीज ओके हेल्दी फैट्स के सोर्सेज हैं आपके पास अनहेल्दी सोर्सेज के फैट्स हैं आपके पास अगर आप ऐसे फैट्स को अनहेल्दी फैट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर वेट गेन हो सकता है आप ओबीस हो सकते हैं हार्ट डिजीजेस हो सकती है राइट डिफिशियंसी अ लैक ऑफ एचिन या डाइट में रिजल्ट इन ड्राई स्किन हेयर लॉस पुअर ग्रोथ पुअर वंड हीलिंग एंड अ लो बॉडी वेट अगर फैट की कमी होगी आपके डाइट में तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है हेयर लॉस हो सकता है ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और वीलिंग आपकी पुअर हो जाएगी बॉडी का वेट भी कम रहेगा ओके प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर यूज फॉर बिल्डिंग मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग मसल्स रेड ब्लड सेल्स हेयर एंड अदर टिश्यूज सोर्सेस मिल्क चीज एग्स फिश पल्सेस बीन्स एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स होते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फूड ओके एक्चुअली बॉडी को बिल्ड करने में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं उनको मेनटेन करने में हेल्प करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स हैं हेयर है या फिर दूसरे टिश्यूज राइट सोर्सेज हैं आपके पास के डेफिशियंसी okay? अ lack of proteins in diet may cause difficulty in breathing vision problems weakness memory problem एंड अ लैक ऑफ एपीडाइट अगर प्रोटीन की कमी होगी आपकी डाइट में तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है विजन प्रॉब्लम हो सकता है वीकनेस आप फील कर सकते हैं मेमोरी प्रॉब्लम लैक ऑफ एपीटाइट यानी भूख नहीं लगेगी राइट वाइटमिन वाइटमिन मीन्स वाइटल फॉर लाइफ Vitamins are necessary for the healthy functioning of our body. Vitamins strengthen our immune system and help us battle infections. As compared to carbohydrates and proteins, we need a small quantity of vitamins. Vitamins are of many kinds and their sources are also different. For a fit and healthy body, we need to take all kinds of vitamins regularly. Here, we will discuss only four types of vitamins. वाइटमिन का मतलब होता है वाइटल फॉर लाइफ वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट ये हमारी बॉडी की हेल्दी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं ओके okay? इसीलिए इनको वाइटमिन को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स अगर हम कंपेयर करें तो हमें वाइटमिन बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं okay? ओके तो एक फिट एंड हेल्दी बॉडी के लिए हमें सभी तरह के वाइटमिन रेगुलरली लेने चाहिए तो यहाँ पे आपको चार तरह के जो वाइटमिन हैं वो डिस्कस किए गए नंबर वन इज वाइटमिन ए वाइटमिन ए कीप्स स्किन स्मूथ इट प्रोटेक्ट रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी आइज पीपल हु डू नॉट गेट इनफ वाइटमिन ए मे हैव अ हार्ड टाइम सींग एट नाइट दिस इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस सोर्सेज कैरेट स्पिनच मैंगोस पम्पकिस एग यॉक्स ऑयली फिश एट्सेट्रा वाइटामिन ए हमारी स्किन को स्मूथ रखता है यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है राइट right? और हेल्दी आइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइटमिन ए रिमेंबर दैट ओके तो जिनको इनफ वाइटामिन ए नहीं मिलता उनको रात में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है डिम लाइट में तो दिस इज नोन एज नाइट ब्राइटनेस तो सोर्सेज आपको दिए गए हैं स्पेशली जो आपके येलो फ्रूट्स एंड आपकी ये जो येलो येलो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें आपका वाइटामिन ए पाया जाता है राइट right? नेक्स्ट इज वाइटमिन बी वाइटामिन बी इज नॉट अ सिंगल वाइटमिन बट अ ग्रूप ऑफ एट वाइटमिन दीज वाइटमिनस वर्क टूगेदर टू हेल्प आर बॉडी यूज एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड सम वाइटमिन द ग्रोथ एंड रिपेर ऑफ टिश्यूज सम असिस्ट इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड सम आर इम्पोर्टेंट फॉर द नर्वस सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम वाइटमिन बी अब आपका एक सिंगल वाइटमिन एक्चुअली यह ग्रुप है एट वाइटमिनस का तो ये सारे वाइटामिन साथ में काम करते हैं हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ओके okay? कुछ वाइटमिन होते हैं जो ग्रोथ एंड टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं कुछ रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं कुछ नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ओके वॉट आर द सोर्सेज सोयाबीन ब्राउन राइस एग्स फिश ओट मील पीनट्स एट्सेट्रा राइट वाइटमिन सी

कट है वुंड है या बर्न है उसको हील करने के लिए भी वाइटामिन सी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ओके okay? अर आपने आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में वाइटामिन सी कितना हेल्पफुल रहता है राइट right? सोर्सेज है इसके देखिए ऑरेंजेस टोमेटोज कैबेजेस पिपायाज मैंगोज बीन्स मिन्स एक्सेट्रा स्पेशली जबकि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना खट्टे फ्रूट्स उनमें आपका वाइटामिन सी पाया जाता है राइट नेक्स्ट वाइटामिन डी वाइटामिन डी इज अ वाइटामिन यू नीड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर हैविंग स्ट्रॉन्ग टीथ वाइटमिन डी ऑल्सो हेल्थ आर बॉडी टू एब्जॉर्ब द बॉड ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल कैल्सियम दैट इट नीड्स अब आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स स्ट्रोंग रहे आपके स्ट्रांग टीथ रहे तो उसके लिए विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके okay? इसके अलावा विटामिन डी क्या करता है कि एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है राइट विटामिन डी के सोर्सेज देखिए क्या है आपके मिल्क बटर चीज फिश ऑयल लिवर कर्ट एक्सेट्रा वाइटामिन डी इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय स्किन वेन एक्सपोज टू सनलाइट अच्छा आपको पता है वाइटामिन डी हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है वैन एक्सपोज टू सनलाइट आपने सुना भी होगा कि हमें सनलाइट से वाइटामिन डी मिलता है राइट अ लास्ट चांस Of vitamins present in vegetables and fruits are destroyed when we cook them. So we should also eat some raw vegetables and fruits daily. But before eating, we should wash them properly so that dust, dirt and germs are removed from them completely. वैसे बहुत सारा जो चंक होता है वाइटमिनस का जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उन्हें कुक करते हैं इसलिए हमें कुछ ऐसे वेजिटेबल्स uh, uh, होते हैं फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हमें कच्चा खाना चाहिए लेकिन खाने से पहले उनको अच्छे से वॉश करना है जैसे कि डस्ट डर्ट जम्स उसमें से कंप्लीटली रिमूव हो जाए ओके okay? मिनरल्स फूड ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सम मिनरल्स द बॉडी यूजेस मिनरल्स टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस सम मिनरल्स लाइक कैल्सियम फॉसफॉरस सोडियम एट्सेट्रा नीडेड इन लार्ज अमाउंट्स वेल वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर्स लाइक आयन आयोडीन फ्लोराइड एटसेट्रा नीडेड अब आपके फूड में मिनरल्स भी होते हैं वाइटमिन की तरह ही मिनरल्स भी आपको बहुत थोड़े क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं ओके तो जैसे कि आपके ये जो मिनरल है ये लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जबकि आयरन आइडीन फ्लोराइड की बात करें तो इनको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है ओके सो हियर इज अ टेबल गिवन टू यू जिसमें फंक्शन एंड सोर्सेज दिए गए हैं डिफरेंट मिनरल्स की सबसे पहला मिनरल है कैल्सियम इसका फंक्शन क्या है इट मेक्स बोन्स एंड टीटी स्ट्रॉग रेग्यूलेट हार्ट बीट एंड मेजर सोर्सेज देखिए आपको कहाँ से मिलते हैं कैल्सियम मिल्क कर्ड चीज फिश सेसमी सीड्स जिसे हम कहते हैं तिल सोयाबीन रागी और फिंगर मिलेट ऑल्सो ओके रागी में आपका मिल्क से भी ज्यादा कैल्शियम होता है ओके नेक्स्ट आयन हेल्प रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ओके ये क्या करता है रेड ब्लड सेल्स को हेल्प करता है कि ऑक्सीजन को हर बॉडी के हर पार्ट तक कैरी करते हैं ओके एंड दीज आर दोर्सेस स्पिनिच फिश ड्राइड डेट्स जैगेरी यानी कि गुड मीट रीजन फर्स्ट Helps to form healthy bones and teeth, healthy bones and teeth are very important. Hai. Milk and milk products, meat, whole grains, nuts, these sources. Hai. Next is potassium. Helps to maintain water balance in the body, helps the kidneys and the heart to function properly. And jo sources are, Paneer nuts, potatoes, okay potatoes with the skin, Skin ke saath, peas, black beans, citrus fruits. Next is zinc. हेल्थ इन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ हेल्थ इन डेवेलपिंग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हेल्थ इन हीलिंग वोट्स तो ये नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी स्ट्रांग इम्यूनिटी डिवेलप करने के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है वोल करने में ये हेल्प करता है राइट एंड सोर्सेज आर दीज होल ग्रेन फूड सीरियल्स मीट्स नट्स एंड बीन नेक्स्ट राफिज राफिज और फाइबर इज नॉट अ न्यूट्रेन बट It is an essential part of a healthy meal. Okay. Roughage of ja fiber a nutrient nahi hai, lekin ek healthy meal ke liye imported. Hai. Okay. Some fiber cannot be totally absorbed by the body. It helps to move food through the digestive system and allows proper removal of waste from the body. Apples, pears, green peas, whole grain bread, cereals, berries, whole grapes, almonds, etc. Some of the best sources of roughage. अच्छा कुछ ऐसा फाइबर होता है जिसको हमारी बॉडी टोटली नहीं कर सकती है तो ये क्या करता है कि ये फूड को मूव करने में हेल्प करता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन जो प्रॉपर रिमूवल होता है ना वेस्ट का उसकी हेल्प से हो जाता है ओके आर सोर्सेज ऑफ रफिज बेस्ट सोर्सेज ऑफ रफिज ओके नेक्स्ट वाटर वाटर इज अ वाइटल कॉम्पोनेंट फॉर गुड हेल्थ मोस्ट ऑफ अर बॉडी सिक्सटी टू सेवन इज मेड अप ऑफ वाटर वट हेल्स टू कंट्रोल आर बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज टू एक्सक्रीट वेस्ट ऑन द बॉडी एज यूरी एंड स्वेट वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी वाटर भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग आपका जो सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट है ना actually, water. Water है हमारी बॉडी का एक्चुअली दैट इज मेडम ऑफ वाटर वाटर हमारी बॉडी को बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है एज यूरी एंड स्वेट ऑल दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर और ये सारे वेस्ट है तो इसीलिए हमें आपको हेल्दी रहने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए Right? Balanced diet. We have learned about various nutrients and their sources. Our body needs all nutrients in a proper quantity. A diet that contains all the nutrients in an adequate quantity required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. A balanced diet is not the same for everyone. It depends on the age, gender, and the nature of work a person does. For example, a growing child or a sport person needs more protein than an old lady. A laborer doing manual work needs more carbohydrates. and fats than a person who works in an office. अच्छा देखिए हमने विविध न्यूट्रिएंट्स उनके सोर्सेस के बारे में पढ़ा. Okay. Now, what is balanced diet? Actually, a diet जिसमें आपके सारे ही न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है फॉर द हेल्थी फंक्शनि�

नहीं फैलेंगी और हम हेल्दी रहेंगे तो कुछ तरीके हैं कुछ प्रैक्टिस हैं जिनकी जिनसे आप हेल्दी रह सकते हैं ब्रश एंड फ्लॉस योर टीथ ट्वाइस अ डे जस्ट आफ्टर वेकिंग द मॉर्निंग एंड जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड हैव अ बाथ डेली यूजिंग सोप टू वॉश अवे डर्उट एंड चोस पेयर योर नेल्स रेगुलरली एंड कीप योर हेयर क्रीम वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मीनस रेंस योर माउथ एंड गागल टू वॉश योर फेस आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल ऑन द प्ले ग्राउंड स्लैशोराइज विद वॉटर फॉर क्लीनिंग दम अपने ब्रश को टू टाइम्स आपने तो टीथ को ब्रश करना है टू टाइम्स राइट ब्रश करेंगे दैन फ्लॉस भी करना है ओके रोज दहाना है सोप से जैसे कि डस्ट और जर्म्स आपके दूर रह सके अपने हेयर को क्लीन रखना है आपने अपने नेल्स को टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहना है उनको भी साफ़ सुथरा रखना है खाने से पहले खाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना है अपने माउथ को रिंस करना है गार्गल करना है जब भी आप स्कूल से आए या प्ले ग्राउंड से आए तो अपने फेस को वॉश करना है और अपने आँखों में पानी छीटे जरूर मारें ओके okay? उनको क्लीन करने के लिए उनको स्प्लैश करें नेक्स्ट एक्सरसाइज बिसाइड हैविंग अ अलेंस डाइट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अ हेल्दी एंड फिट बॉडी इफ यू डू नॉट वर्क और एक्सरसाइज आर मसल्स विल वीक एंड फ्लापी द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज आर एज वॉल्यूज एक्सरसाइज हेल्प्स टू डिवेलप एंड टोन अप आर मसल्स अच्छा देखिए बैलेंस डाइट हो गया वो चाहिए चाहिए आपको लेकिन साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी एंड फिट रहे अगर आप काम नहीं करेंगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं फ्लैबी और वीक हो जाएंगी ओके okay? तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी मसल्स डिवेलप हो सके टोलअप हो सके राइट इट हेल्प अस बर्न द एक्स्ट्रा फैट एंड कीप अलिम एक्स्ट्रा मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेक्स अ बॉडी फ्लेक्सीबल it makes us breathe harder thereby giving more oxygen to the body it improves blood circulation as a result of which more oxygen reaches to various parts it helps in proper digestion of food it helps the nervous system by supplying more oxygen to the brain walking jogging cycling and swimming are good exercises playing outdoor games is not only a good exercise but also a lot of fun okay scale our exercise can say extra fat hota hai, usko burn karte hai, aap slim rehte hai. एक्स्ट्रा मूवमेंट जब होती है एक्सरसाइज के दौरान तो आपकी बॉडी फ्लैक्सीबल रहती है आप बहुत ज़्यादा ब्रीद हार्ड करते हैं जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलता है ओके ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होता है जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचता है डाइजेशन में हेल्प होता है ओके नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी ब्रेन तक सप्लाई होती है तो वॉकिंग जॉगिंग साइकिलिंग स्विमिंग ये भी आपकी एक्सरसाइज है ओके आउटडोर गेम अगर आप खेलते हैं तो एक्चुअली इज अ गुड एक्सरसाइज ओके बट एक्सरसाइज तो है ही साथ ही साथ आपको मजा भी बहुत आता है आउटडोर एक्सरसाइज गेम खेल के राइट सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप बैलेंस डाइट तो लेंगे ही साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करेंगे ओके इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फिट